शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये फूल नहीं, हमारे कॉलेज की सबसे हसीन लड़की का दिल है। इसे हासिल करने के लिए जान हथेली पर रखनी होगी, समझे? मौत के हाथों से भी गर हमें उसका दिल मिले, जान देकर उस हसी का दिल उठा लाएंगे हम। तो ठीक है, फूल की शक्ल में हसीना का दिल ये पड़ा है, उठा लीजिए। उठो, आओ, एक बार फिर कोशिश करो। देख प्यारे, मैं अपने दुश्मन को सिर्फ 3 बार करने का मौका देता हूं, उसकी 3 गलतियां माफ कर देता हूं, और कोई भी काम मैं 3 बार करने की कोशिश करता हूं। अगर ना हो तो मैं वो काम अपने दुश्मन से करवाता हूं। अब ये फूल तुम मुझे उठाकर दोगे, और ख्याल रहे, अगर फूल की एक भी पंखड़ी टूट गई तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब एक अच्छे बच्चे की तरह ये फूल उठाकर मुझे दे दो। कल्लू पहलवान कहते थे कि सबसे पहले अपने दुश्मन के बाल खींचो। अरे तो टकरा है बाल कैसे, उसके बाद उसके हाथ तोड़ो। अरे रे रे, गलती हो गई, मुझे तो दाया हाथ तोड़ना था। अरे मेरा दाया हाथ मत तोड़ो, मैं तो फूल फूल कैसे उठा के दूंगा। चल टकरा, आप फूल उठा चल। थैंक यू। महायोगी बाबा लोकनाथ की वाणी। रण में, वन में, जल में, जब भी तुम संकट में पड़ो, मुझे स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भाई साहब बैंडा इस जाएंगे? अरे जरूर जाएंगे बिडू, बैठ जाओ मीटर डाउन करके, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कहाँ जा रहा है यार? मैं बांद्रा ईस्ट जा रहा हूँ बिडू, मीटर डाउन करके। मुझे भी उधर ही जाना, जरा छोड़ दोगे? जरूर छोड़ दूंगा बिडू, बैठ जा, जरा मीटर डाउन कर देना यार। La 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 la
साहब आइए आइए। कितने पैसे हुए भाई साहब? मीटर डाउन करके 30 रुपए। लेकिन मीटर में तो 20 रुपए है। 20 रुपए तुम्हारे और 10 रुपए तुम्हारी पेटी के मीटर डाउन करके। ये लीजिए 20 रुपए। 20 रुपए? मैंने तो 30 रुपए बोले थे मीटर डाउन करके। 10 रुपए मेरे, 10 रुपए पेटी के और 10 रुपए आपके दोस्त के, वो भी टैक्सी में आया ना मीटर डाउन करके। चल आगे देख। अरे भिड़ू, ये तो अपना ही मीटर डाउन कर गया पीट दे के। अरे भाई साहब, कोई है इधर? अरे भाई इस तरफ आओ। कमाल है, सभी तरफ लेग पीस। अरे आपका हेड पीस है कि नहीं? अरे कौन है बे? अरे साले तू, अरे यहाँ बॉम्बे में? आप मुझे कैसे पहचानते हैं कालू महाराज जी? अबे साले मैं कालू महाराज जी तेरा दोस्त रवि हूँ। अरे पिंटो माइकल अब्दुल जी। अरे तू किसको बुला रहा है? यह तो कोई है नहीं। अरे सभी अभी आते, अरे भानी दो। अरे यार, हर मैकेनिक गाड़ी के नीचे से निकल रहा है, यहाँ क्या गाड़ी नीचे से ही खराब होती है? ये बम्बई है दोस्त, यहाँ हर चीज ऊपर से अच्छी लगती है लेकिन नीचे से। क्या बात है उस्ताद? अरे मेरा जिगरी दोस्त, मेरा भाई गांव से आया है, इस खुशी में। छुट्टी? छुट्टी नहीं, तुम लोग 10 बजे तक काम करोगे और मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर खाऊंगा पीऊंगा और काम करेंगे। ये है मेरा छोटा सा घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर। अरे बजरंगबली जी, आप शहर में भी आ गए, फिर तो ये घर मंदिर हो गया। जय बजरंगबली जी, जय किशन जी, जय राधिका जी, जी। अरे ये कौन सी देवी है भाई? ये हेमा मालिनी है। ओह जय हेमा मालिनी जी। अबे उल्लू, ये फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी है, कोई देवी देवता नहीं, इतना भी नहीं जानता तू? गलती हो गई, तू इसका भक्त है? अरे मैं नहीं, वो पिंटो इसका भक्त है, उसी ने ये तस्वीर लगा रखी है। चल तू बाथरूम में जाके नहा दो, मैं तेरे खाना तैयार करता हूँ। एक मिनट, यहाँ बाथरूम किधर है? बाथरूम ये है बाथरूम। ये बाथरूम है? अरे इससे तो अपने गांव का खुला मैदान अच्छा है। और ये है रसोई होगी ना? अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार हो गया। देख दोस्त, तू जल्दी से खाना पका ले, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल भाई खाना गरम। अरे अजय, माँ कैसी है? अरे बहुत अच्छी है, तेरे लिए अचार और मिठाई भेजी है। अचार और मिठाई? अरे जल्दी निकालना, बहुत दिन हो गए माँ के हाथ का अचार खाए हुए। एक मिनट, जल्दी ला, जल्दी ला। ये ले। ला भाई ला। वाह, तू तो अच्छा खाना बनाने लग गया है। अरे कभी मालिक कभी बावर्ची बना देता है, वक्त उस्ताद है, हर काम सिखा देता है। गाँव में बैल गाड़ी ठीक करता था या मोटर गाड़ी की मरम्मत करता है? कॉलेज का सेकेंड ईयर पास कर लिया और बस हो गया। तू तो जानता है दोस्त, बचपन में माँ बाप गुजर गए, मामा ने बड़ी मुश्किल से सेकेंड ईयर तक पढ़ाया, अब मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए तेरे पास आया हूं। अपने साथ काम पे लगा ले ताकि मामा की कुछ सेवा कर सकूं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है, कम से कम बीए तो कर ले। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुझ पर बोझ बन जाऊंगा। एक दुगना उल्टे हाथ की अगर बोझ की बात की तो ठीक है, अगर तुझे बोझ का कुछ ज्यादा ही एहसास है ना, तो तू दिन में पढ़ाई करना और शाम को मेरे साथ काम करना, ठीक है? जैसे तेरी मर्जी। चल अब तो सो जा, चल तुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। हसीनों में हसीना है मनीषा, मेरी किस्मत का जीना है मनीषा, मेरी उसकी मोहब्बत है पुरानी, मैं जौहरी हूँ नगीना है मनीषा। वाह अदब, वाह मुलायदा, होशियार उसने तूफानी दरिया किनारी। मल्लिकाए जवानी तशरीफ ला रही है, बा अदब बा मुलायजा होशियार। मनीषा,
बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मत भूलो, मैं इस शहर के नामी बैरिस्टर विकास आनंद की बेटी हूँ। चाहो तो तुम सब लोगों को अंदर करवा सकती हूँ। जो फिर इडियट जाहिलो। जबान संभाल के बात कीजिए मैम साहब। गलती एक लड़के ने की और आप हम सब पर लपेट रही हैं। तुम क्यों आग बबूला हो रहे हो? लगता है ये बदतमीजी तुम्हारी ही है। मैम साहब, हुस्न की तारीफ करनी हो तो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। अगर हमारा दिल किसी हसीना पर आ जाए तो मैं उसके हुस्न की तारीफ अपने सीने पर लिखूंगा। यू? क्यों हाथों को तकलीफ दे रही है? ये फूल जैसा हाथ अगर मेरे गाल से टकरा जाता तो मुझे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके हाथ को दो दिन तक सेक देना पड़ता। क्यों दोस्तों? I'll kill you. टीचर, टीचर। तो 11 तारीख को पेशी है और केस 2 नंबर पे सर। डैडी, डैडी बस अब सब काम बंद। क्यों सर? आ गई ना हमारी लाडली। जिस दिन हमारी लाडली डैडी डैडी कह के घर में दाखिल हो, समझ लो कॉलेज में किसी लड़के से झगड़ा कर आई है और अब हमें एक नए केस की फाइल तैयार करनी पड़ेगी। बैरिस्टर की बेटी हो या बादशाह की, गुरूर अदाओं की हद में होगा तो बर्दाश्त कर लेंगे, गुरूर अदाओं की हद से बाहर होगा तो हमें उसे तोड़ना भी आता है। अरे मैंने तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है, हसीनाओं का गुरूर तोड़ने के लिए नहीं। अरे उनके तो साये से भी दूर रहना चाहिए, इसीलिए तो किसी ने कहा है कि हसीनों से तो बस साहब सलामत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। आओ, क्या हुआ? देख ले, लड़की के जिक्र से उंगली पर छुरी चल गई। अब तू ही सोच ले, जिनके जिक्र से छुरियां चल जाती हैं उनसे उलझने का क्या अंजाम होगा? वो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ अगर मर्द लड़कियों वाला काम करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। मेरी बात सुन, शादीवादी कर ले, चूल्हे चौके का काम मर्दों का नहीं औरतों का है, मैं बंद करता हूँ। अरे कैसे दोस्त तू? मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ और तू मुझे खाई में ढकेल रहा है। अरे मेरे बाप, शादी नहीं करनी है तो चाची को बुला ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी ढंग की तो मिलेगी। वहां गांव में सुखी बैठी, अपने सुख के लिए मैं उसका सुख क्यों खराब करूं? ओ जाने दे बहाने मत बना। तू चाची को इसलिए नहीं बुला रहा है कि चाची यहाँ आते ही तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देगी, कहीं ऐसा ना हो गांव से शादी लेती आए। हाँ मेरे लिए लड़की लाए ना लाए, मगर मैं तेरे लिए लड़की ले आया। क्या बोल रहा है बाप? जल्दी देख लेते। चल चल। अरे ये ये देख, वैसे अपने बजट के हिसाब से लाया हूँ, सेकंड हैंड है यार। अरे तू सेकंड हैंड लाया तो क्या हुआ, तू अगर फोर्थ हैंड भी लाएगा ना तो भी मेरे लिए चलेगी। ये क्या सागर मतलब भाई? क्यों यहाँ दलदल है क्या? अरे दलदल नहीं, आंधी आती है यहाँ, साइकिल मोटरसाइकिल कार आदमी जो कुछ भी सामने आए सबको उड़ा देती है। अच्छा अच्छा, उस आंधी का नाम है मनीषा और ये जगह उसके लिए रिजर्व। जी हाँ, अगर वो आंधी है तो मैं पहाड़ हूँ और उस आंधी को मैं बांधी बनाकर रख दूंगा। आजा आजा आजा। अरे ये क्या हो रहा है? साइलेंस साइलेंस साइलेंस। आज हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के जंगलात में कितने शेर हैं। सर असली या नकली? What do you mean? आजकल गीदर शेर की खाल पहनकर घूमते हैं और दूसरों पर रोक जमाते हैं। क्या ये क्या हो रहा है? जंगली जानवर भी आजकल गेटअप में घूमते हैं? लेकिन जंगली जानवरों के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कैसे? सर इनका जन्म चिड़ियाघर में हुआ था। साइलेंस, तुमको कैसे पता? सर क्योंकि चिड़ियाघर के एक पिंजरे में ये भी बंद थे। नहीं नहीं सर, चिड़ियाघर में तो मैं अब हूँ, जहाँ एक शेर है, एक भालू है और एक लोमड़ी। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है और आजकल की मॉडर्न बिल्लियाँ साइकिल नोचती है। शट अप, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अगर हाथ ना आए तो क्या कहेंगी, अंगूर खट्टे हैं? जरा पीछे आइए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे अपने झगड़े में भालू क्यों बना रहे हो?
भालू नहीं सर, उल्लू। मेरी गाड़ी कहाँ है? यही तो थी। आपकी गाड़ी खुद चलकर वहाँ पहुँच गई है और वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। एक पता नोट कर लीजिए, रवि गैरेज, शायद जरूरत पड़ जाए। ओ गॉड, मेरी गाड़ी यहाँ कैसे आई? जरूर किसी की हरकत है, मैं जानती हूँ ये उसी की हरकत। एनीवे, ओ डैमर, ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही, धक्का मारो यार। फिर क्या, उसने गाड़ी क्यों घुमाई तो मैं सीधा जाकर टक। तुम और यहाँ? मैम साहब, आप जहाँ जाएंगी हमें तो पाएंगे ही। शट अप। गुड मॉर्निंग मैम साहब, ये मेरा दोस्त अजय है और यहाँ मेरे साथ काम करता है और मनीषा देवी के साथ कॉलेज में पढ़ता है। मेरी पुरानी कस्टमर और तू इनके साथ? मैं पति के लिए से निकल जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, तूने इनकी गाड़ी खराब की, अब तू ही ठीक कर। देखिए मेरी गाड़ी अनाड़ी हाथों में बंद दीजिए और भी बिगड़ जाएगी। अरे मैम साहब, बिगड़ी हुई चीजों को तो ठीक करना हमारी आदत है और ऐसा ठीक करूंगा कि जिंदगी भर बिगड़ने का नाम नहीं। क्या कर रहे हो? एक मिनट, नहीं रे धक्कड़। जय बजरंग बली। साहब गाड़ी स्टार्ट कीजिए। रिपेयरिंग चार्जेस कितने? 250 रुपए। 250? अरे उल्लू, अरे 50 रुपए का काम है तो 250 मांग रहा है? 50 रुपए इनकी गाड़ी ठीक करने के लिए और 200 रुपए साइकिल की मरम्मत के लिए जो इन्होंने तोड़ी। ओ, ये लो 400 रुपए। 400? 250 रिपेयरिंग चार्जेस और 150 तुम्हारी से। थैंक यू। यू वेलकम। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, इस खुशी में मैं आप सबको पार्टी दूंगा। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अबे थैंक यू स्टार्ट बोलो। थैंक यू स्टार्ट। बहुत महीनों से थी कड़के, पास नहीं था पैसा, आज मिले एक मोटर वाली, पासा पलटा कैसा। वाह गुरु वाह, मजा आ गया। मत के खिड़के खुले, कड़की में लड़के मिले, किस्मत के खिड़के खुले। पहली कमाई पॉकेट में आई, आज सारे यार सारी रात ऐश करेंगे। खुले
मिले मेरे सौभाग्य फूल मैं माला माल हो गया। टपटपाओ 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 पियो खाओ झूमो गाओ माँ जुड़ाओ लड़के में लड़के मिले किस्मत की लड़की खुली पहले कमाई पॉकेट में आई आज सारे यार सारी ऐश करेंगे। टपटपाओ टपटपाओ पियो खाओ झूमो गाओ माँ जुड़ाओ लड़के में लड़के मिले किस्मत की खिड़की खुली। भोजन हो रहा है क्या? जी हाँ, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मैं तो आप लोगों का साथ देने आया हूँ। क्यों नहीं, ऐसा खाना आपने पहले कहाँ खाया होगा? यहाँ अच्छा खाना मिलता है क्या? लगता है मुफ्त का माल खाने आया है। हाँ तो क्या मंगाऊँ? चिकन टिक्का, मटन चॉप, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बोलिए। थैंक यू, ये सब खाना मुझे पसंद नहीं, आप खाइए और सेहत बनाइए। शायद ये नाम आपने पहले सुने नहीं होंगे, मूंग की दाल और चपाती मंगाऊं? जी, वेटर। यस सर। बटर रोस्ट है? जी नहीं। चिकन फ्राई? जी नहीं। खरगोश तंदूरी? जी नहीं। ये रेस्टोरेंट है कि कोई ढाबा है? चाय खानदान के लोग यहाँ आते नहीं होंगे, गलती से मैं कोई छोटे रेस्टोरेंट में आ गया। खैर, भैंस का दूध है? जी हाँ। जाइए, भैंस के दूध से एक चाय बनाकर लाइए। और सुनिए सुनिए सुनिए, हाथ साबुन से और कप गर्म पानी से धोकर लाइएगा, पता नहीं किस किस के होंठ लगते होंगे। ओके सर। वेटर, बिल प्लीज। ओके मैडम।
ये लीजिए बस 150 रुपए जी। ये 25 चाय के जी, 150 इनके जी, और ये 50 आप। थैंक यू सर जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे मेम साहब, दिल रियायत दिल नहीं, अब तो गुस्से से लाल पीली होती जा रही। उस दिन आपने 150 रुपया टिप देकर मेरी खुददारी को कर्जदार बना दिया था, सो उतार दिया। मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। अरे हाँ सुनिए, कभी बिल देकर देखिएगा, बदले में बिल भी देंगे, वहां भी कर्ज नहीं रखेंगे। यू कब 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 मरी यू, इसका बिल आप दे दीजिए, मामूली सा। बाय बाय टंगड़ी कबाब, बोटी कबाब, सिख कबाब, नहीं नहीं तुम गुर्दे कबाब। बाय। अरे वाह क्या बात, जवाब नहीं। वाह क्या खुददार लड़का है। तेरी एक बात याद रखो, जो लोग बख्शिश ठुकराना जानते हैं वो एक दिन खुद बख्शिश देने के काबिल बन जाते हैं। दादी आप हमेशा मेरे दुश्मनों की तारीफ करते रहते हैं। उसने खुददारी नहीं दिखाई बल्कि मेरा गुरूर तोड़ने की कोशिश की है, और मैं अपना गुरूर टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं क्योंकि तुम शहर के नामी बैरिस्टर विकास आनंद की बेटी हो। बेटे एक बात और याद रखो, जिस तरह दोस्तों को दुश्मन बनते देर नहीं लगती, उसी तरह दुश्मनों को भी दोस्त बनते देर नहीं लगती। वो और मेरा दोस्त, कभी आईने में शक्ल देखी उसने? बंदर लगता है बंदर। ओके ओके अजय, तुझे बंदर लगता है मान लिया, लेकिन मुझे तो वो बहुत ही हैंडसम लगता है। एनी ऑब्जेक्शन मैडम? नो ऑब्जेक्शन मैडम, चल हट। लेकिन क्या है, वो थोड़ा अगली भी है, चलेगा। लेकिन साथ साथ वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, आई मीन अकलमंद, यू नो। यस आई नो, लेकिन वो थोड़ा बेवकूफ भी है, आई मीन इडियट, यू नो, आई डोंट माइंड। अच्छा तो ये बता, उसकी चाल में, उसके अंदाज में एक मर्दानगी है या नहीं? ओहो किसने कहा नहीं है, जरूर है, लेकिन बात यह है वो थोड़ा सा डरपोक है, जबरदस्ती बहादुर बना फिरता है। किसी दिन कोई सरफिरा सामने आ गया ना तो दुम दबा के भाग जाएगा। रहने दे रहने दे, अब जरा घड़ी देख ले, पिकनिक पर जाना है या नहीं। लो अब याद आया, सबसे बकबकी जा रही अजय अजय अजय। चलो देखे क्या खा रहे आप। अचार, चाची के हाथ का खाएंगे। ऐसा कौन सा स्वाद ले लिया बदतमीज कहीं की? तेरे मुंह में पानी आ रहा हो तो तू भी थोड़ा सा स्वाद ले ले। चुप, मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ। अचार खाने में कौन सी बेशर्मी की बात है, वो भी उसकी चाची के हाथ का प्योर अचार, क्या स्वाद था। मैं देखता हूँ भाई साहब, अचार तो कोई भी खिला सकता है, कुछ नाच गाना रंभा संभा डिस्को हो जाए। मनीषा जी भी एक्सपर्ट हैं सब में, क्या ख्याल है आपका भाई साहब? ये गाना बजाना डिस्को फिस्को रंभा संभा तो कोई भी कर लेता है। वैसे हम भी हमारे गांव में चंपावती के साथ तथैया करते थे। वैसे इसके बारे में आपकी डिस्को डांसर का क्या ख्याल है? तो फिर हो जाए मुकाबला। ऐसे नहीं थोड़ा ही। हाँ तो चंपावती, अरे चंपावती क्या नाम है आपका? मनीषा जी। हाँ देखिए, हमारी दो शर्तें हैं। एक, हम कभी पहल नहीं करते जवाब देते। दो, अगर हम जीतते हैं तो
तो हारने वाले को अपने हाथों से गुलाब का फूल पेश करना होगा, क्या ख्याल? डन। Just a little baby.
ये फूल नहीं हमारे कॉलेज की सबसे हसीन लड़की का दिल है। इसे हासिल करने के लिए जान हथेली पर रखनी होगी, समझे? मौत के हाथों से भी गर हमें उसका दिल मिले, जान देकर उस हसी का दिल उठा लाएंगे हम। तो ठीक है, फूल की शक्ल में हसीना का दिल ये पड़ा है, उठा लीजिए। उठो, आओ, एक बार फिर कोशिश करो। देख प्यारे, मैं अपने दुश्मन को सिर्फ 3 बार करने का मौका देता हूं, उसकी 3 गलतियां माफ कर देता हूं, और कोई भी काम मैं 3 बार करने की कोशिश करता हूं। अगर ना हो तो मैं वो काम अपने दुश्मन से करवाता हूं। अब ये फूल तुम मुझे उठा कर दोगे, और ख्याल रहे, अगर फूल की एक भी पंखड़ी टूट गई तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब एक अच्छे बच्चे की तरह ये फूल उठाकर मुझे दे दो। मारो साले को। कल्लू पहलवान कहते थे कि सबसे पहले अपने दुश्मन के बाल खींचो। अरे तो टकरा बाल कैसे? उसके बाद उसके हाथ तोड़ो। अरे रे रे, गलती हो गई, मुझे तो दाया हाथ तोड़ना था। अरे मेरा दाया हाथ मत तोड़, नहीं तो फूल फूल कैसे उठा के दूंगा। चल टकरे, अब फूल उठा चल। थैंक यू। मौत के हाथों से भी गर हमें उसका दिल मिले, जान देकर उस हसी का दिल उठा लाएंगे हम। ये लड़की, ये तूफान की तरह कहाँ भागी जा रही हो? क्या डैडी, सुबह सुबह टोक दिया ना। किसी शुभ काम के लिए जा रही थी। कॉलेज जाना शुभ काम नहीं है क्या? है, लेकिन संडे के दिन कॉलेज जाना शुभ काम नहीं है। संडे? आज संडे है? हाँ, कैलेंडर में तो यही है। बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जवानी के दिनों में हमें भी संडे मंडे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन हमारे डैडी हमें याद दिलाया करते थे कि बेटे आज संडे है और कॉलेज बंद है। तो फिर आप क्या कहते थे डैडी? हम उन्हें बुद्धू बनाया करते थे। अच्छा? हाँ, कहते थे कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। बस डैडी, मैं भी तो यही कहने जा रही थी, मैं अपनी सहेली रूपा से मिलने जा रही हूँ। आप हमें बुद्धू बना रही है, है? डैडी, आप मुझे अपने जैसा समझते हैं? हम भी अपने डैडी से यही कहते थे, लेकिन मालूम है जवाब में वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? किताबें फेंको और हमारे साथ रमी खेलो। डैडी,
सुबह से कोई नहीं मिला। बातें ना बनाओ, बातें ना बनाओ, पत्ते बांटो चलो। ओहो डैडी। डैडी, आपके डैडी भी इसी तरह आपको बोर करते थे। लेकिन थोड़ा सा मस्का मारने पर छुट्टी भी दे देते थे। अच्छा भाई डैडी। अरे लेकिन किताबें तो, आज तो संडे, जाओ बेटी जाओ, आज हम अकेले बैठकर पेशेंट्स गेम खेलेंगे। गुड मॉर्निंग मेम साहब। अच्छा आप यहाँ हैं? क्या क्या बात है, कुछ खराबी है गाड़ी में? खराबी? हाँ मेरे ख्याल से हॉर्न नहीं बज रहा है। अच्छा हॉर्न नहीं बज रहा है। हाँ। आई 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 देखते। मेरे ख्याल से तो बज रहा है। बज रहा है? आप एक काम कीजिए, वाइपर लगा दीजिए। हाँ वाइपर, बारिश आने में तो दो चार महीने बाकी हैं, अभी से वाइपर लगाएंगे तो चोरी हो जाएंगे। वो भी सही है। हाँ। लेकिन कोई गड़बड़ तो जरूर है ना जो मैं यहाँ तक आई हूँ। हाँ कोई गड़बड़ तो जरूर है जो आप यहाँ तक आएंगे। अरे बिंटो। यस बॉस। आगे बोनट खोलो और देख गाड़ी में क्या खराबी है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बात बिंटो के बस की नहीं है। जिसके बस की बात है वो वहाँ अंदर सो रहा है। तुम्हारे मेरी नींद हराम करके कुछ चैन की नींद सो रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं जगा दूँ? हाँ मेरे ख्याल से वही ठीक रहे। थैंक यू। थैंक यू। जय बजरंग बली जी। प्रभु एक बात बताइए, आपने रविवार क्यों बनाया? हाँ ना ही आदमी कॉलेज जा सकता है, ना ही अपनी महबूबा से। ओह माफ कीजिएगा। हाँ किशन जी काफी रोमांटिक है, रोमांटिक सवाल इन्हीं से करता हूँ। किशन जी आप रविवार के दिन राधा जी को कहाँ मिलते थे? ये कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। वाह प्रेम हो तो ऐसा, सवाल किशन जी से पूछा जा रहा है, राधा जी जवाब दे रही है। वाह खैर जब जवाब मिल ही गया तो राधा जी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे सारे सवालों के जवाब आ रहे। राधा जी आप तो कॉलेज में नहीं पढ़ती थी और किशन जी भी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, फिर रविवार के दिन आप लोग मिलते कहाँ थे? जमुना किनारे। लेकिन यह तो जमुना किनारा है नहीं। अबे समंदर का किनारा तो है। ओहो दिस इज वेरी बैड किशन जी, वेरी बैड। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बात राधा जी अपने मुंह से नहीं बोल सकते। राइट। खिला रहे थे। क्या करें मजबूरी थी, मैं लड़कियों को नाराज नहीं कर सकता। शट अप, आज के बाद अचार सिर्फ मुझे ही खिलाओगे? अरे तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक ऐसा अचार है जो आज तक मैंने किसी को नहीं खिलाया है, स्पेशल अचार। हाँ सुनते ही मुंह में पानी आ गया। लौका लौका इकड़े ये, इकड़े ये। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? बदमाश। अरे खट्टा था क्या? क्या सोच रहे? कुछ नहीं। अजय कल मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाना चाहती हूँ। क्यों, मुझे पिटवाना है क्या? उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। फिर
इंटरव्यू के लिए। तुम्हारे डैडी के पास नौकरी करना है? डैडी के पास नहीं, लेकिन उनकी बेटी के पास तो नौकरी करनी पड़ेगी। शादी के बाद उनकी बेटी की देखभाल और ये सब चीजें तुम्ही को करनी है ना। अगर तुम्हारी नौकरी करनी है तो तुम्हारे डैडी से मिलने की क्या जरूरत है? ओहो, अपॉइंटमेंट तो वही देंगे। ऐसा क्या? ठीक है, चलो इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। क्या? अचार। अरे भाई ले नहीं हर माँ जो माना अरे अजय भैया तो आज चप्पल टका सच चमका दिया है। चप्पल अबे 10 बजे मिलने का टाइम है और तू? अरे वाह, आज तो मेरा दोस्त हीरो लग रहा है। लड़की का बाप देखते ही हाँ कर देगा। हाँ, तेरे कहने से तो हाँ कर देगा। तू तो उन दोस्तों में से है जो कहते हैं बेटे चढ़ जा सूली पे, भली करेंगे राम। अरे मैंने तुझे सूली पे चढ़ने के लिए थोड़ी कहा था, तेरी महबूबा ने कहा था। अब जब ओखली में सर रख दिया तो मूसल से क्या डरना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये ले चाबी। चाबी? हन्ना साहब की गाड़ी रिपेयर के लिए आई है, तू ले जा। ले। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? काजल तो है नहीं, ये ग्रीसी लगा ले, नजर नहीं लगी। अरे तेरी तो मनी साहब, एम साहब ने आपके लिए कुछ कपड़ा भेजा है और ये चिट्ठी। अरे फुट ला मुझे दे। और तू जा, तू इसे पकड़, मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ। तेरी महबूबा की चिट्ठी है भाई। दे रजे, कुछ ड्रेसेस भेज रही हूँ, जो पसंद हो पहन लेना। पहली बार डैडी से मिलने आ रहे हो, पन ठन कर आना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी मनीषा। अरे भाई महबूबा हो तो ऐसी हो। अरे शादी से पहले इतने कपड़े भेज दिए, शादी के बाद तो अलमारी भर कपड़े मिलेंगे। गाड़ी मोटर बंगला किसी चीज की कमी नहीं होगी। देख भाई, अब तो तुझे हमारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्त, शादी के बाद हम लोगों को भूल मत जाना। बोल, क्यों पहले तुम्हें मांगे हुए कपड़े? बोल। इसे क्यों मारते हो? मारना है तो अपने करीबी को मारो, जिसने हमें कपड़े मांगने पर मजबूर कर दिया। सावित्री, झोली फैलाने वाले का पेट नंगा हो जाता है, आंखों की शर्म चली जाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? तुम, सिर्फ तुम। मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, लेकिन तुमसे शादी करके मैंने ही गलती की। नहीं, गलती मेरी थी जो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया, और आज जरूरतों के सामने सर झुकाकर तुमने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। लेकिन याद रखो सावित्री, मांग कर कपड़े पहनने से गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता। लेकिन थोड़ी देर के लिए मन को शांति तो मिल जाती है। तुम्हारी खुददारी की चादर बस तुम्हें ही मुबारक। लेकिन ये मत भूलो सावित्री, खुददारी की ये चादर गरीब के तन का कपड़ा है, उसकी इज्जत है, उसका जेवर है। खुददारी ही इंसान की जिंदगी है। माँ, पिताजी ठीक कहते हैं, आज के बाद मैं अपनी खुददारी कभी नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, मेरा नाम अजय है। बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ, ये तुमसे मिले बगैर तुम्हारा चेहरा मेरी निगाहों में बिल्कुल बन चुका है। बैठो मनीषा, जल्दी तैयार हो जाओ, अजय आ गया है। तुम्हारे आने की खुशी में सुबह से तैयार हो रही है। खैर, हमारी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। रहा सवाल तुम दोनों की शादी का, जब कहो कर दें, हमें कोई एतराज नहीं। आपको मालूम है मैं क्या काम करता हूं? मालूम है। आपको यह भी मालूम है कि मैं कितना कमाता हूं? मालूम है। फिर भी आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहते हैं? लेकिन मैं नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो? जी मैं इस लायक नहीं हूं एक अमीर लड़की की जरूरत पूरी कर सकूं। इसके लिए तुम फिक्र मत करो अजय, मेरे पास जो दौलत है
मनीषा की है, तुम्हारी? मैं बख्शिश दान दहेज से नफरत करता हूं। अजय, आप मनीषा से प्यार करते हैं, आपने उसके लिए सुख और आराम की तमाम चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। मैं भी उससे प्यार करता हूं सर, आप जितना ना सही कमी सही, मैं भी चाहता हूं उसके सुख की तमाम चीजें इकट्ठी कर सकूं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैसे से। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है सर कि आपकी बेटी को महलों से खींचकर झोपड़े में ले आऊं। तो तुम क्या चाहते हो? बस सर, अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए 3 साल की मोहलत। वाह वाह, क्या बात है अजय, एक मुद्दत भी किसी नौजवान में इतनी खुददारी देखी। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो। बस अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गॉड ब्लेस यू माय सन, खुश रहो। मनीषा ने मेरे लिए कुछ कपड़े भेजे थे, आप इन्हें रख लीजिएगा, मुझसे अब ये बोझ उठाया नहीं जाएगा। और मनीषा से कह दीजिएगा फिलहाल मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सुनो, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, मगर इतना जरूर पूछूंगी कि तुम्हें मेरे जज्बात से खेलने का क्या हक था, प्यार का झूठा नाटक रचाने का क्या अधिकार था तुम्हें? मैंने कोई नाटक नहीं रचाया मैम साहब, मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूं और करता भी रहूंगा। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे शादी से क्यों इनकार कर दिया? आओ मेरे साथ, आओ, देखो तुम यहां रह सकती हो, ये बाथरूम है, तुम यहां नहा सकती हो, ये रसोई है, या खाना पका सकती हो, ये छोटा सा शीशा है, हाँ, या बड़ा चेहरा छोटा बन जाता है, बदसूरत हो जाता है, क्या तुम इसे श्रृंगार कर सकती हो? ये देखो ये बिछौना है जहां मैं सोता हूं, तुम यहां सो सकती हो? पहले मुझे भी इन बातों का एहसास नहीं था, मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बनी हुई थी। मेरी आंखें तब खुली जब तुमने अपने डैडी से मिलने के लिए मुझे कपड़े भेजे, ताकि मैं तुम्हारी बराबरी का बन जाऊं। लेकिन मनीषा, नजर आने से कोई बराबरी का नहीं हो जाता, बराबरी का बनना पड़ता है। जिंदगी के दरिया में तुम मेरा किनारा हो, जज्बात की रौ में बहकर मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें संघर्ष करके पाना चाहता हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे डैडी से 3 साल की मोहलत ली है। 3 साल का अरसा बहुत लंबा होता है अजय, अगर मैं कहूं मुझे तुम्हारी गरीबी स्वीकार है तो ये मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। जिसने कभी किसी का एहसान ना लिया हो, जिंदगी भर तुम्हारे एहसान के नीचे दबा रहेगा। क्या तुम ये चाहती हो, शादी के बाद तुम्हारी तरफ मेरी जो भी नजर उठे उसमें मोहब्बत नहीं शुक्रिया का एहसास हो? नहीं अजय, तुम्हारे पास दौलत नहीं, उससे भी ज्यादा कीमती चीज है खुददारी। मैं तुम्हारी खुददारी नहीं छीनूंगी, तुम्हारा स्वाभिमान नहीं तोड़ूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अजय। मैं नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेटी, हम तो तुम्हें बच्ची समझते थे, हम तो ये समझते थे कि हमारी बेटी पगली है, नादान है, दुनियादारी में कुछ नहीं जानती। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने लिए ऐसा हीरा पसंद करो। अरे अजय के लिए 3 साल तो क्या हम सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं। आओ बेटी, आओ। अरे तू अभी तक सोया नहीं? तू भी तो नहीं सोया? अरे नींद तो उनके लिए होती है दोस्त जिनको ख्वाब देखने होते हैं, और जिनको ख्वाब हकीकत में बदलने होते हैं
उनके लिए काम है, मेहनत है। मेहनत दो वक्त की रोटी से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती, और हमारी मंजिल उससे कहीं आगे। लेकिन सुन, देख, हम ये कैरेज बेच देंगे, गांव की जमीन और घर बेच देंगे, और उससे जो पैसा जमा होगा उससे कोई बिजनेस शुरू करेंगे। नहीं दोस्त, मैं नहीं चाहता तू मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। मेरा सब कुछ तेरा नहीं है क्या? तेरे मेरे में कुछ फर्क है? हैं? चल चल सो जा, कल सुबह इंक्वायरी के लिए बैंक चलना है। चल चल सो जा, चल। मनीषा, मंजिल तो अभी दूर है, लेकिन राह मिल गई है और हम लोग उस पर चल पड़े हैं। एक फैक्ट्री बना ली है जो अच्छी चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, रहने के लिए एक बंगला और एक गाड़ी भी है। एक साल तो बीत गया है, बाकी दो साल भी यही गुजर जाएंगे। तुम्हारा आ जाएगा। दूर है तो क्या ख्यालों में तेरा, हम तो करेंगे दीदार। जिंदगी कम है पर जब तक दम है तेरा करेंगे इंतजार, इंतजार हम करेंगे तुझे प्यार, हम करेंगे इंतजार, हम करेंगे। जब तक दम है तेरा करेंगे इंतजार।
आज हम अपने घर में किसे देख रहे हैं भाई? भगवान दास। बैठो बैठो बैठो। अरे यार तुम तो एकदम तोता चश्म निकले, दिल्ली क्या गए कि बस वहीं के होकर रह गए? ना खतों की ताबत, ना खैर खबर। कम ऑन जेंटलमैन, सिट डाउन। अरे भाई को है घर में मेहमानों की खातिर? पारो जी। भाई चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाए, मेहमान आए हैं। अरे तुम्हारे भी जवाब नहीं याद, और फिर शिकायत हमारे साथ। अरे तुमने भी कौन सी हमारी खबर ली यार? खैर यार वो बात छोड़, ये बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। वेरी गुड। इससे मिलो, ये है मेरा बेटा कुंदन। हाँ वो तो मैं पहले ही समझ गया, कुंदन ये लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है। वेरी गुड। और अब बम्बई में अपना ऑफिस खोला है। वेरी नाइस। हेलो अंकल, सिगरेट? अपने बाप को ऑफर करो। व्हाई नॉट डैड? थैंक यू बेटा, थैंक यू। दैट्स माय स्टाइल। अच्छा अंकल, वैसे मैं बॉम्बे आ गया हूँ और यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर आता रहूंगा मैं। हाँ बेटे, ये तुम्हारा अपना ही घर है, इसे अपना ही समझो तुम्हें। भगवान दास, वैसे ये लड़का जब स्कूल में था तब मैं इससे मिला था ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन अपनी मनीषा कहाँ है? अब तो वो भी बड़ी होगी। होगी डैडी। लो नाम लिया और आ गई। आओ बेटी आओ। डैडी आधे का लेटर आया है। धीरे धीरे धीरे, जोर से जोर से, कार भी ले लिया, भी ले लिया। सब कुछ लिखा लेकिन पता नहीं लिखा ना डैडी। वो इसलिए कि तुम उससे मिलने न पहुंच जाओ। ओहो डैडी। अच्छा बेटे इनसे मिलो, ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं भगवान दास। हेलो अंकल। जी फिर हो बेटी। और आप हैं इनके साहबजादे। हेलो। नमस्ते। ये इनका स्टाइल है? अच्छा स्टाइल है, यानी के अपना अपना स्टाइल है। हाँ तो मैं ये कह रहा था। अरे अरे वे नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग यू। अजय का लेटर आया है। अच्छा इसीलिए तो? चलो। एक्सक्यूज मी मिस, हम आपकी पसंद की दाद देते हैं। वाह क्या सिलेक्शन है, कितना हैंडसम लड़का है। अजय आप मिले हैं उनसे? नहीं मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन कुछ ही देर पहले मैंने उन्हें देखा है। कहाँ? वो नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और मैंने उन्हें जमीन से ऊपर उठा लिया। जी ओ थैंक यू, अच्छा स्टाइल है। अजय और मनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर अमीरी और गरीबी की दीवार बीच में आयल, यानी कि वो गरीब स्टाइल का है। मगर तेजी से अमीरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, बहुत ही मेहनती और खुददार लड़का है। 3 साल की शर्त है, लेकिन मुझे लगता है वो इससे पहले ही मनीषा के काबिल बन जाएगा। वेरी बैड। क्या? अब मेरा मतलब है वेरी गुड, मेहनत करने से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। बेटे ऐसा लगता है हमारी फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, सोचा था मनीषा से तुम्हारी शादी करा के अपनी टूटती हुई उम्मीदों को फिर से बांध लूंगा, लेकिन इस अजय नाम के लड़के ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डोंट वरी डैड, ये उसका स्टाइल है। और तुम्हारा स्टाइल क्या है? फुटपाथ पे आ जाना। अपना स्टाइल फुटपाथ पर आना नहीं, लोगों को फुटपाथ पर लाना है। और वैसे भी अजय को आने में भी 2 साल बाकी है, और डैड यहाँ तो एक ही रात में हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। शर्त यह है पलटने वाले दो हाथ चाहिए, ये अपना स्टाइल है। लीजिए पानी। बस अब कैसी तबीयत है माजी? अच्छी हूँ।
बुढ़ापे के दिन हैं, कभी कभी चक्कर आ जाता है, लेकिन लेकिन भगवान के दर्शन के बगैर भी तो जी नहीं लगता। ऐसी हालत में बिना किसी को साथ लिए आप लोग जाइए। अच्छा नमस्कार। ऐसी हालत में बिना किसी को साथ लिए आपको निकलना नहीं चाहिए। ऐसे मेरे भाग्य कहाँ बेटी, यहाँ बैठते। एक लड़का है, वो भी शादी के नाम से भड़कता है। ये जन्म तो जैसे तैसे बीत गया, अब अगले जन्म को सुधारने के लिए यहाँ आ जाती हूँ। ऐसी बात है तो माँ, आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, रोज मैं इसी वक्त आपको यहाँ ले आऊंगी और उसके बाद घर छोड़ाऊंगी। तो रोज मंदिर आती है जी, तो कितनी अच्छी है बेटी, काश मुझे भी भगवान तेरे जैसी प्यारी बेटी दे देता। यार कुंदन, तुम लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हो, बिजनेस में थोड़ी बहुत मदद हमारी भी कर दो, बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। थोड़ी बहुत क्यों, हम करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये कुंदन का स्टाइल है। मैं आई कम इन सर। आइए आइए मिस्टर अजय, आइए, इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर अजय? हेलो। हमारी कंपनी में ज्यादातर इन्हीं की फैक्ट्री के स्पेयर पार्ट सप्लाई होते हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। कैसे? मैंने आपका नाम सुन रखा है। किससे? शायद किसी हसीना के होंठों से। अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये अपना स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है। मिस्टर अजय, आप टेंडर भर के लाए? जी हाँ, बड़े ही सही रेट भरे हैं सर, ये ऑर्डर मुझे मिलना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू, मैं चलता हूँ। तुम बिजनेस में मेरी राय लेना चाहते थे ना? हाँ। इस आदमी का माल मत खरीदिए। क्यों? मैंने इसका नाम सुना है, किसी हसीना के होंठों से नहीं, मार्केट में इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, रेट भी ज्यादा कोट करता है और इसके माल की क्वालिटी भी बहुत पुअर है। इसका स्टाइल है और तुम इसके स्टाइल से बचो। लो हमने टेंडर फाड़ दिया। तुम्हारा स्टाइल भी बहुत अच्छा है। देखे जी, कुंदन कब से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम अभी तक तैयार भी नहीं? नहीं डैडी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। कल ही उससे मुलाकात हुई और आज मैं उसके साथ बाहर जाऊं? बेटी हर वक्त बंद कमरे में बैठी अजय के ख्यालों में खोई रही, न किसी से मिलना जुलना, न कहीं आना जाना। भला इस तरह अपने आप को तन्हाई के साथ जोड़ लेना क्या अच्छी बात है? इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और बेचारे कुंदन का दिल भी रह जाएगा। है? चलो तैयार हो जाओ। ये मेरा प्राइवेट बंगला, यहाँ पर सिर्फ दोस्तों को आने की इजाजत है। लेकिन तुम तो कह रहे थे नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक में क्या रखा है, यहाँ पर तन्हाई में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा हमें। मिस्टर कुंदन, इस तरह का नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी के कहने पर मैं तुम्हारे साथ आ गई, ये मेरी भूल थी। डैडी के कहने पर तुम हमारे साथ आ गई, ये तुम्हारा स्टाइल है, और नाटक के बहाने हम तुम्हें यहाँ ले आए, ये हमारा स्टाइल है। कैसा स्टाइल है? बकवास बंद करो। टैक्सी! ए, मेरी बात तो सुनो। वाह, लाए हम और लेगा टैक्सी वाला, ये इसका स्टाइल है, लेकिन बड़ा घटिया स्टाइल है। कोई बात नहीं। तो ये बात है, लेकिन ये कुंदन कौन है? अरे उस बैरिस्टर साहब के दोस्त का बेटा, हर वक्त मनीषा के पीछे घूमता रहता है। मैं जानता हूँ मनीषा उस कांटे को गले का हार नहीं बना सकती, लेकिन वो हर वक्त मनीषा को छुपता रहे, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है, तू उस कांटे का मुंह तोड़ दे, मनीषा से शादी कर ले, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। लेकिन लेकिन अरे अब लेकिन का सवाल ही कहाँ रहा है? देख बंगला है, गाड़ी है, चलता वो कारोबार है, इन्हीं चीजों का तो वादा किया था तूने बैरिस्टर साहब से, अब जरूरी है 2 साल और इंतजार करें? है, हमें बैंक के 30 लाख रुपए चुकाने हैं
और जब तक हम लोग ये लोन वापस नहीं करते, हम लोग नाम के मालिक हैं, नाम के सारे राइट सरकार के पास हैं, और ये सब करने में 2 साल लग ही जाएंगे। अरे आ गए तुम लोग? हाँ हम तो आ गए, लेकिन तुम कहाँ गई थी? यही पड़ोस में। तुम लोग तो दिन रात लोन, फैक्ट्री, राइट, पैसा, इन्हीं बातों में लगे रहते हो। कभी माँ का ख्याल किया है? मालूम है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? मंदिर से आते हुए चक्कर आ गया था मुझे। चक्कर आ गया? कैसे? वो तो अच्छा हुआ कि पीछे से एक नेक लड़की आ रही थी, उसने संभाल लिया। उसके स्वभाव ने मेरा तो मन मोह लिया है। अरे माँ, तुझे अकेले मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या थी? किसी को साथ ले लेती या गाड़ी में चली जाती। देख अजय, माँ के लिए एक नौकरानी रख लेते, जहाँ माँ जाएगी वो माँ के साथ जाएगी। तू हंस क्यों रहा है? आप समझे नहीं? नहीं, चाची को नौकरानी नहीं, बहू चाहिए, बहू। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे दिन रात बहू बहू बहू। और तू बड़ा दल बदलू है यार। हाँ? दिन को उल्लू मेरे साथ रहता है, और जब भी शादी की बात आती है ना, माँ के साथ हो जाता है। चाची। हाँ? इसको रास्ते पर लाने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हाँ तू कुछ सोच। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा रवि। चाची के पांव छू। क्यों, क्या हुआ? चाची तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा में क्या रखा है? अरे यहाँ भी क्या रखा है? हम दिन रात कारोबार में बिजी रहते हैं, और चाची बेचारी घर में अकेली पड़ी रहती है, और दिन रात एक ही सपना, बहू बहू बहू। अरे 2 साल बाद माँ का ये सपना भी पूरा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी ना। तब तक मैं अपने सपने को आंखों में बंद करके इस दुनिया से चली जाऊँ। ऐसे क्यों कहती हो माँ? हाँ आओ बैठो। अरे तुम तो 100 साल जियोगी। हाँ हाँ हाँ, इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं। अरे चाची तुम फिर बैठ गई, ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी चलो। कैसा बेवकूफ आदमी है तू, तू क्या माँ को सचमुच स्टेशन छोड़ने जा रहा है? और क्या करूँ, तू अपनी जिद नहीं छोड़ता, चाची अपनी जिद नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है। रवि, कौन सा बैंक से ऐसा लोन लेना पड़ेगा माँ के सपने पूरे करने के लिए? सीधी सादी शादी हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12। गाँव बसानी और चोर पहले ही आ गए। अरे गाँव भी बस जाएगा, चोर भी आ जाएंगे, लेकिन तू तो हाँ कर दे यार। तू समझता नहीं है यार। अरे मैं समझ गया चाची रवि दादी, मैं आज से लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूँ। मैंने लड़की ढूंढ ली है मंदिर में। अरे इस बात पर हो जाए तुम्हारे हाथ की गरम गरम पूरिया। माजी, आपके घर के पिछवाड़े से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है, अपना बगीचा दिखाइए ना। बेटे हमारे यहाँ तो कोई बगीचा नहीं है। अरे है नहीं तो हो जाएगा, चलिए आपकी जगह ही देख लेते। हाथ क्यों पकड़ता यार, तूने तो कहा था मुझे चांस देना, मैं अकेले में अपनी होने वाली बीवी से कुछ पूछूंगा। क्या? हाँ तूने कहा था ना कि मैं उससे पूछूंगा कि खाना पकाना आता है कि नहीं, गाना गाना आता है कि नहीं, नाचना आता है कि नहीं। तो मैंने कहा था कि नाचना तो नहीं आता होगा, लेकिन नचाना जरूर आता होगा। मैंने ये सब कहा था? मैंने कब कहा था? नहीं कहा। लेकिन झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुछ भी हो बेटा, तुम्हारा दोस्त है बहुत अच्छा, हंसमुख और जिंदा दिल। माँ जी, इसी जिंदा दिली के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन होने वाली भाभी जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, बातचीत कीजिए। हाँ आपके पड़ोसियों ने ठीक ही कहा था, लड़की जन्म से गुंगी है। किसने कहा था? बोलती है। हाँ यार बोली। देखा आपकी सुरीली आवाज सुनने के लिए मैंने कैसा पैंतरा मारा। आप जरा अपनी पैंतरेबाजी बंद करिए। अच्छा अभी से बीवी के लिए मुझे डांटने लगे, शादी के बाद तो मुझे घर से निकाल दोगे? ये क्या कह रहे हो बेटा,
हम गरीब लोग रिश्ता जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं। तो फिर जोड़ दीजिए ना। ये दरवाजा तोड़कर कौन आया? शंकर। वेरी गुड शंकर। तू यहाँ कहाँ आ गया कर्मोजने? पहले भी तेरी वजह से तेरी बहन के 3 रिश्ते टूट चुके हैं। बड़ी मुश्किल से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है बेटे, तू यहाँ से। माँ अपन से चोरी चोरी बहन की रिश्ते की बात हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए तू यहाँ से चला जा। आप दोनों में से अपन का होने वाला जीजा जी कौन है? वेरी गुड। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी अपन तुमसे बात करेंगे, जब तक अपन हाँ नहीं बोलेगा ना तब तक ये रिश्ता पक्का होएगा। अगर तुमको मांगता है कि अपन हाथ बोल दे तो अपन को 500 रुपया दक्षिणा में दे दो बस। अरे सोचना काय को जीजा जी, 2 घूटे जैसी दारू का पी लो दिल इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ फिर अपन को तुम 1001 रुपया भी देगा क्या? देगा कि नहीं? मैं उस घर में शादी नहीं करूंगा जहाँ लोग शराब पीते। बस तुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए। तभी उस गरीब माँ का ख्याल कर जिसकी आंखों से बेटी का गम आंसू बनकर बह रहा है। उस लड़की के बारे में सोच जिसकी खुशियां भाई के लड़खड़ाते कदमों में ठोकरे खा रही हैं। तभी उसका भाई शराब पीता है, इसमें उस लड़की का क्या दोष? बेटे अजय ठीक ही कहता है, कोयला और हीरा एक ही खान की कोख में जन्म लेते हैं। लोग कोयले को जला देते हैं और हीरे को अपनी अंगूठी का नगीना बना लेते हैं। अच्छा चाची जी मैं जा रहा हूँ। अरे ठहर जा, ये ले शगुन का हार, जाते जाते ज्योति को देते जाना और उसकी माँ को कहना कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। हाँ जरूर रिश्ता पक्का करवा दे, नहीं तो फिर कहेगा कि माँ को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, क्या बिजनेस छोड़कर यही करते रहेंगे? किसी लड़की की शादी करवाना, किसी लड़की को शगुन पहुंचाना या किसी दुखी लड़की का कल्याण करना, यही करते रहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन आप इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? बात क्या है? बात ये है, ये 1,00,000 रुपया कल से घर में पड़ा है, इसे बैंक में जमा कौन करवाएगा? नाराज मत, पहले भाभी को शगुन पहुंचाऊंगा उसके बाद पैसा बैंक में। जी नहीं, पहले पैसा बैंक में। नहीं पहले शगुन पहुंचाना। चाची तो गई, अब सच सच बता, तेरी जुबान की बात मानूं या तेरे दिल की? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी जुबान कह रही है कि बैंक जा और तेरा दिल कह रहा है मेरे भाई पहले तू भाभी के पास जा और शगुन पहुंचा दे। तेरी मैं जा रहा हूं। अच्छा, मैं जा रहा हूं। तू पहले कहां जा रहा है? बैंक। एक काम कर, पहले शगुन पहुंचा दे। क्या शगुन पहुंचा दे? लो भाभी संभालो अपना कैदी, हमने इसे उम्र कैद सुनाई है और जिला सबाब है, प्यार की जंजीरों में इस तरह जकड़िए कि कैदी आपका भाग ना पाए। और आप यहाँ से भागिए हुजूर, वरना आपकी भाभी समझेगी कि हम काट के उल्लू हैं और आपके इशारों पर नाचते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं। अपनी भाभी इतनी नादान नहीं है कि असली उल्लू को काट का उल्लू समझे। हाँ वो तो। अरे भाई अब तो देखिए, सुना है सुहागरात में दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। अगर आप अपना घूंघट खुद ही उठा लें तो ठीक रहेगा। क्यों? क्यों भाभी,
अब यकीन आया ना, ये काट का नहीं असली है, असली। अब ही बताता हूँ तुझे। आज रवि की शादी हो, भाभी को फूलों की सेज पर बैठी हुई देखकर मुझे ख्याल आया, एक दिन हमारी भी इसी तरह शादी होगी। सुहागरात की सेज सजेगी, पूरे कमरे में हमारे अरमानों के फूल मुस्कुरा रहे होंगे, तुम दुल्हन बनोगी। पहले मिलन की रात आई, कितने दिनों के बाद आई, आओ ना ननना छोड़ना, ननना अब तो लग चकले, ना 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 पहले मिलन की रात आई, कितने दिनों के बाद आई, आओ ना ननना छोड़ना, ननना अब तो लग चकले, खुशबू में प्यास है, कल तुम्हें तुम्हें ना ना बेचैन हर सांस है, ओ कितना छुपाया ओट पे फिर भी दिल की वो बात आ गई, पहले मिलन की रात आई, अब तो लग चकली, ना 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 ना। अब क्यों रहे दूरियां, अब दिल क्यों डरते प्यार नया बरते, तो तन्हो अब एक जान, मनीषा। हे मनीषा, ओहो बुरा हो तेरा, तूने मेरा हसीन ख्वाब तोड़ दिया। ख्वाब? कैसा ख्वाब? ख्वाब में आ जाए कि मेरे साथ शादी हुई थी, सुहागरात सीन चल रहा था,
रोमांटिक गाना एकदम पिच तक पहुंच रहा था कि तूने कट कर दिया। तेरी शादी तो ख्वाब में हो रही थी पर मेरी हकीकत में हो रही है। व्हाट? हाँ, मैं कार्ड देने आई हूँ। कंग्रेचुलेशन। लेकिन सर आपने मुझे कहा था कि ऑर्डर मुझे मिलेगा और आपके कहने पर मैंने माल बलमना शुरू कर दिया, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। अब आपके नुकसान के बारे में सोचें या अपनी कंपनी के बारे में? लेकिन सर मेरे माल के बारे में आज तक कोई शिकायत नहीं आई, ना क्वालिटी के बारे में ना रेट के बारे में। प्लीज मिस्टर अजय, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। लिली, वर्मा को भेज दो। सर ये है इस महीने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये 20,000 रुपए? ये रुपए अजय बाबू ने अपने नाम से निकाले। मैंने एक दो बार पूछा भी था लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, वो 20,000 रुपए आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा और अजय से इसका हिसाब मांगने की कोई जरूरत नहीं। जी सर। मिस्टर बैनर्जी, मैंने 1,00,000 रुपए इसी महीने की किसी तारीख को बैंक में जमा करवाने के लिए भिजवाए थे, उसकी एंट्री कहाँ है? मैंने सब कुछ चेक कर लिया है सर, लेकिन उसकी बैंक में कोई एंट्री नहीं है। आर यू श्योर? यस सर। मगर वो 1,00,000 रुपए आपने किसके हाथ भिजवाए थे? वो पता नहीं, शायद मैं ही कुछ भूल रहा हूँ, मैंने भिजवाए भी थे या नहीं। अच्छा ओके, यू कैन गो नाउ, थैंक यू। अजय ने वो 1,00,000 रुपए बैंक में डाले क्यों? लगता है किसी नए काम में डाल दिए होंगे मुझे सरप्राइज देने के लिए। ये लो भैया। बहन तेरे को अपुन की कसम, तू ये मत समझना कि अपुन रोज तेरे से पैसे मांगने आ जाता है। क्या है कि बहन असल में तेरा प्यार घसीट के ले आता है अपुन को। वो तो ठीक है लेकिन कुछ हाथ पांव चला, कुछ काम करो। अरे तू क्या समझती है दीदी, अपुन हाथ पैर धरे बैठा ला है? ऐसा नहीं है। एक काम कर बहन, तू अपुन को इकट्ठे ही 25,000 रुपए दे दे, बस। 25,000? क्या बक रहा है तू पागल है? बहन वो दिनू का कहना अपना चक्की वाला, वो अपनी चक्की बेचना चाहता है। ये सब नहीं होगा। देखो बहन, वो एक बार धंधे से लग जाऊंगा ना, बस जिंदगी भर तेरे पास पैसे मांगने नहीं आऊंगा। मुसीबत का फंदा तेरे गले से हमेशा के लिए निकल जाएगा बहन। ठीक है, तेरे जीजा जी को आने दे, उनका मूड देख के बात करूंगी। हाँ, माँ की कोई चिट्ठी आई? वो तीर्थ यात्रा से कब लौट रही है? चिट्ठी आई है, 2-3 दिन में आ जाएगी बस। अजय भैया वो नहीं आए? मैं ऑफिस नहीं गया था, कहीं और से आ रहा हूँ, आता ही होगा। बड़ा कमंडी है ये, घर आए मेहमान को ना दुआ ना सलाम, बस मुंह उठाकर ऊपर चला गया। तेरे जीजा जी ने उसे सर पे जो चढ़ा रखा है, तो बैठ, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते जीजा। नमस्ते। जी अरे ज्योति। जी हाँ आई। कैसे हो भाई तू? अच्छा हूँ। हाँ? बस वो अजय आया? हाँ अपने कमरे में है। ठीक है तो तुम हमारी चाय ऊपर भेजो। अच्छा दीदी, तूने पैसों के बारे में कुछ बात ही नहीं की। अरे अभी तो आया है वो, जरा शांति से चाय पीने दे फिर बात करती हूँ। अजय क्या बात है, उदास क्यों बैठा है? हमारा टेंडर पास नहीं हुआ। बस इतनी सी बात? माल बनवाना शुरू कर दिया है। अरे तो क्या हुआ? अरे इसीलिए तो किसी ने कहा है कि गिरते हैं चाहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अरे बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, इसमें फिक्र की क्या बात है? फिक्र की बात है, बैंक का 30,00,000 रुपया चुकाना है। अरे हाँ यार, वो तेरी बात से याद आया, उस दिन मैंने तुझे जो 1,00,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए थे, तो लगता है मुझे सरप्राइज देने के लिए तूने वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। वो पैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, वो क्या है कि एक जरूरी शादी आ गई थी। शादी? किसकी शादी? ओ लीजिए। अरे यार तूने बताया नहीं किसकी शादी? हाँ वो मामा जी आए थे, हाँ उनकी बेटी की शादी थी, बहुत परेशान थे तो 1,00,000 रुपए उनको दे दिया मैंने। और ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। अरे बैंक में तो पैसे फिर से जमा हो जाएंगे, रिश्तेदारी में अगर एक बार ना कट गई ना तो फिर जुड़ती नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ कर दी तूने।
गड़बड़। मामा जी यहाँ आए और तूने घर भी नहीं लेकर आया, ना खुद शादी में गया ना मुझसे कहा, अगर उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई तो। नहीं नहीं, 1,00,000 में इज्जत रह गई। अच्छा। मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो। शंकर कब से नीचे बैठा हुआ है? हाँ अभी मैं नीचे तो मिला था उससे। उसे बिजनेस के लिए चक्की खोलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चक्की के लिए उसे 25,000 रुपए चाहिए। 25,000? नहीं नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल भाई। एक टेंडर भरा था वो फेल हो गया, और तुम तो जानती हो कि हमें बैंक के 30,00,000 रुपए वापस करने हैं, अपने दोस्त के अरमान पूरे करने हैं। ऐसी हालत में इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। तूने इतनी सी बात के लिए भाभी को नाराज कर दिया? अरे इतनी सी बात नहीं है दोस्त, वो चक्की वक्की कुछ नहीं खरीदेगा, सारे पैसे शराब में उड़ा देगा। देखा बहन, उसने 1,00,000 रुपए अपने मामा की बेटी की शादी के लिए दे दिया तो जीजाजी ने उसकी पीठ ठोकी, अपुन ने सिर्फ 25,000 मांगा तो ठुकरा दिया। इस घर में एक दोस्त अपना और बीवी पराई हो गई। देखना बहन, यास्मीन का सांप एक दिन ऐसा फन मारेगा कि जीजाजी पानी तक नहीं मांगेंगे। क्या बात है बहू, कल से तू उदास नजर आ रही है। रवि से झगड़ा हुआ है क्या? जी नहीं। तो फिर क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कैसे, तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। देख बेटी, मैं तेरी सास ही नहीं माँ भी हूँ, मुझसे कुछ मत छुपा। बता क्या बात है? अरे बहू, तू रो क्यों रही है? पता क्या बात है? कल मैंने अपने भाई के लिए उनसे कुछ रुपए मांगे थे। इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने मुझे रुपए नहीं दिए, मगर इस बात का बहुत दुख हुआ कि अजय के सामने मेरी परिस्थिति हो गई और अजय ने उनसे बिना पूछे अपने मामा को 1,00,000 रुपए दिए उनकी बेटी की शादी के लिए। सब उनके माथे पर आज तक नहीं पड़े। अजय के मामा की बेटी? उनकी तो एक ही बेटी है, उसकी शादी हुए तो 5 साल हो गए। डैड, आज का यह जाम अजय की तबाही के नाम, मैंने उसका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है। ये अपना स्टाइल है। एक ऑर्डर कैंसिल करवाने से तुम उसे तबाह नहीं कर सकते, और भी कंपनियां हैं जहां से उसे इससे ज्यादा ऑर्डर भी मिल सकते हैं, तुम कहां कहां उसे रोकोगे? डैड, मैं उस फैक्ट्री को जलाकर राख कर दूंगा जिसके अंदर माल बनता है। मैं उस जमीन को बंजर बना दूंगा जो सोना उगलती है। अपना यह भी एक स्टाइल है। सुनो सुनो, एक गरीब की कहानी सुनो। जिसका जीजा फैक्ट्री का मालिक हो, लाखों का सामी हो, उसका साला यानी अपुन, अपुन भूखा मारू, रातों पे मरा मरा फिरू क्यों? मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि रवि अजय को अमीर बना रहा है और अपने साले के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा और कोई ना कोई मुझे अमीर बनाएगा, अमीर बनाएगा। कौन है बे? तेरा बाप। तुम्हें अमीर बनना है? पैसा? गाड़ी में बैठो। अरे तुम पिलाता जाओ, अपन पीता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, तुम पूछता जाओ अपन बोलता जाएगा। क्या तुम्हें अमीर बनना है ना? हाँ। तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। साहब, अमीर बनने के लिए तो अपन किसी का मर्डर कर डालेगा, कत्ल कर डालेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें
फैक्ट्री में आग लगाने होगी। नहीं मैं नहीं मानता, अजय ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया है, मेरे पिताजी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों की ये हालत हुई। आप जिसे दोस्त कहते हैं वो दोस्त नहीं दुश्मन है। अजय ने झूठ बोलकर 1,00,000 रुपया का गबन किया है। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, मेरे दोस्त पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो माँ जी से पूछ लीजिए, कहिए ना माँ जी। ये सच है बेटे, उसके मामा की बेटी की शादी 5 साल पहले हो चुकी है। और ये बात भी सच है कि उसके मामा जी यहाँ कभी नहीं आए थे। ये सच हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं कि मेरे दोस्त ने 1,00,000 रुपए का गबन किया। ये सच है, ये सच है मेरे दोस्त, मैंने गबन किया है। भाभी का शक सही है, मैं विश्वास के काबिल नहीं हूँ। ये तू क्या कह रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, 1,00,000 रुपए के नोटों का वजन इतना ज्यादा था कि मेरा ईमान हल्का पड़ गया। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो रुपया तूने कहां खर्च किया? अगर ना पूछे तो अच्छा है। क्यों ना पूछूं? मैंने तेरा सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तूने कागज के चंद टुकड़ों से उस सपने के शीश महल को तोड़ दिया। तूने ये भी ना सोचा कि उस शीश महल के टुकड़े मेरे दिल में चुभेंगे, तेरे अपने दिल में चुभेंगे, उस लड़की के दिल में चुभेंगे जो आज तक तेरा इंतजार कर रही है। अजय, ठोकर खा के गिरने वाला इंसान समझ सकता है, लेकिन ऊंचाई से गिरने वाले के संभलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बेटा रवि, ऐसे चोर को ज्यादा दिन घर में रखना अच्छा नहीं। वकील को बुला के उसका हिसाब चुकता करो। निकला ना असीब का साहब, निकला ना असीब का साहब, निकला ना असीब का साहब। हाँ बाजा बोलो। साहब फैक्ट्री में आग लगी है साहब, आप जल्दी चलो साहब। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये अपना स्टाइल है। सुनो, तुम उस घर की तमाम खबरें हमें देते रहना और हम तुम्हें इसी तरह इनाम देते रहेंगे। वेरी गुड। अजय, अजय, अजय चला गया, चला गया। कहाँ चला गया? कैसा तो नहीं गया, मगर लगता है हमेशा के लिए चला गया। क्या भक्ति हो? कुछ ऐसा ही लगता है, ये चिट्ठी छोड़ गया है। कभी मेरी वजह से घर की सुख शांति कहां जाए, मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण बनूं, इससे अच्छा है मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। मैं जा रहा हूं, ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारा अजय। रवि, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ बोल ना, क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं माँ। हम बर्बाद हो गए। इधर अजय चला गया, उधर फैक्ट्री चलकर राख। आग किसे लगाई? दोस्ती दुश्मनी में बदल गई होगी। बकवास बंद करो। अजय पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर तुम अपने आप को मेरी नजरों से गिरा रही हो। Thank you.
अपन तुम्हारे वास्ते वेरी गुड न्यूज लेके आए। वेरी गुड। क्या है साहब? फैक्ट्री की राख अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि दोनों दोस्तों की दोस्ती में आग लग गई। अजय घर छोड़कर चला गया। अब रवि इस किनारे पर और अजय उस किनारे पर, बीच में बह रही है अविश्वास की नदी जो दोनों को कभी मिलने नहीं देगी, कभी नहीं। जब तबाही किसी पे आती है तो चारों तरफ से आती है, ये तबाही का स्टाइल है। जब तकदीर हम जैसे लोगों को मौका देती है तो पूरी तरह से मौका देती है, ये तकदीर का स्टाइल है। और हर मौके का भरपूर फायदा उठाना, ये हमारा स्टाइल है। सर जी सुनिए तो सही। अरे भाई मैंने कहा ना, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। नमस्ते सर जी। आप भाई किशोरी लाल, कार्बन ब्रश लाए हो? जी हाँ, आपने 5 दर्जन मंगवाए थे तो ले आया हूँ। ओरिजिनल है ना? आजकल तुम्हारे माल की बड़ी शिकायत आ रही है। क्या बात करते हैं सर जी, बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, चेक करके देखो। अरे भाई तुम अभी तक खड़े हो, जाओ ना, काम का वक्त है। सर जी ये कार्बन नकली है। अरे तुमको क्या मालूम इस माल के बारे में? शाबाश, कार्बन ब्रश के बारे में तुम्हारी काफी अच्छी जानकारी है। सर जी मोटर के हर पार्ट की रग मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किशोरी लाल उठाओ अपना सामान, बहुत दिनों से हमें बेवकूफ बना रहे हो। भाई तुम तो काम के आदमी हो, आज से ही काम पर लग जाओ। आज से माल खरीदोगे भी तुम और बेचोगे भी तुम। थैंक यू सर जी। सर ये लिफाफा आया है, अजय साहब ने भेजा है। अजय यू मे गो। फैक्ट्री का इंश्योरेंस 20 लाख रुपए, कवरिंग फायर राइट्स। कंपनी के सारे अधिकार मेरे नाम। रवि तुम्हें बताए बगैर 20,000 रुपया देकर फैक्ट्री का बीमा करवाया था। 20,000 की रसीद और पॉलिसी भेज रहा हूं। अपने सारे अधिकार तुम्हारे नाम कर दिए हैं, वो भी भेज रहा हूं। तुमने जो प्यार दिया है उसके सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारा आज है। ज्योति इधर आओ। मां तुम लोग यही समझते थे ना कि फैक्ट्री में आग अजय ने लगाई? अगर उसने ऐसा किया था तो फिर उसने फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्यों करवाया? पूरे 20 लाख का इंश्योरेंस। आज उसने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। उसने हमेशा फैक्ट्री का ख्याल मुझसे ज्यादा रखा और तुम लोगों ने हमेशा उसे गलत समझा। उसने अगर 1 लाख के बारे में हमसे झूठ ना कहा होता तो हम लोग उसे गलत क्यों समझते? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बस तुम लोगों के दिमाग में ये 1 लाख ही घुस रहा है। तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि इस फैक्ट्री के आधे का हिस्सेदार वो भी था। इस फैक्ट्री को खड़ा करने में उसने भी अपना खून पसीना एक किया था। उसका सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनकर मनीषा से शादी कर सके। कोई अपने सपनों को आग नहीं लगाता। और फिर भी तुम मां जीती रहो। नमस्ते बहन। नमस्ते। आप यात्रा से कब लौटी? मैं तो कल ही आ गई थी, आज आप लोगों से मिलने आई हूँ। आइए बैठिए। क्या बात है बहन जी, आप लोग सब। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है माँ जी, मैं बड़े मजे में हूँ। फैक्ट्री बंगले का मालिक हूँ, अजय ने अपना हिस्सा भी मेरे नाम लिख दिया है।
इस वक्त मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन हो सकता है। ये सब क्या है बेटे, अजय कहाँ है? अपनी बेटी से पूछ लीजिए। माँ, इन्होंने अजय को 1,00,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। ना तो उसने पैसे जमा किए और ना ही उसका कोई हिसाब दिया। बस इसी बात पर कुछ कहा सुनी होगी और वो घर छोड़कर चले गए। बेटी, तू जो इतने बड़े घर में राज कर रही है, वो सब अजय की बदौलत। ये तेरी मांग का सिंदूर, तेरा सुहाग, सब अजय की देन है। फिर भी तूने उस पर शक किया। लेकिन बहन जी, शक तो तब किया जब अजय ने ये बताने से इनकार कर दिया कि रुपया किसको दिया। वो अपागन मैं ही हूँ। अजय ने 1,00,000 रुपया मुझे ही दिया था, क्योंकि जब वो हमारे घर पहुंचा तो मकान की कुर्सी वाले बैठे थे। आप ही सोचिए, इस हालत में जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? रहम कीजिए सेठ जी, रहम कीजिए। अरे थारे पे रहम करोगे तो मारे पे रहम कौन करेगा? घोड़ा घास तंग यारी रखोगे तो खावेगा के? असल और सूद मिलाकर पूरे 60,000 हुए है, और थारे करनी तो 60 पीसा को नहीं। तू 60,000 कहाँ से देवेगी? और यो मकान, मकान 30-40,000 से ऊपर को नहीं आवे। हम समझो गो के भागते चोर की लंगोटी से ही के समझो। ऐसा मत कहिए, कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। बेटी की ढोली यहाँ से चली है, उसके बाद आप इस घर पर कब्जा कर लीजिएगा, कब्जा कर लीजिएगा। अरे ढोली की क्या बात कर रहे हो? मन ने हुक्म करो, पूरी बरात लेके आ जाऊंगा। जबान संभाल कर बात कर लाला, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तू कौन है भाया? ये बुढ़िया सारी कौन लागे है? अगर मैं तुझे समझाऊंगा भी तो तू नहीं समझेगा। तू कमीना वो सूदखोर है जो अपने बाप के कफन का सूद अपनी माँ से वसूल करेगा। तन्ने इतनो दर्द आवे है तो मारा पीसा तू दे दे। कितने पैसे हैं तेरे असल सूद मिलाकर? पूरे 60,000। दे तेरे पैसे और दफा हो जा। ए, कागजात तेरा बाप देगा। अरे यो तो मैं भूल ही गया भैया जी, ये लो जरम जी की। जरम जी लीजिए। मैं तूने मुझ गरीब का इतना बड़ा कर्जा उतार दिया, मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये क्या कर रही है माँ जी? कभी माँ भी बेटे के पैर छूती है? धन्य हो वो माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। एक मैं हूँ जिसने शराबी बेटे को जन्म दिया और दो अभागिन बेटियों को। बड़ी बेटी की शादी हुई तो घर गिरवी रखना पड़ा, जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई। और अब छोटी बेटी की शादी की कोई उम्मीद नहीं। क्यों? मेरे दोस्त में कोई खोट है? हम लोग आपको अच्छे नहीं लगे? ये क्या कह रहे हो बेटा? और नहीं तो क्या, मैं शगुन लेकर आया हूँ। कहाँ है मेरी होने वाली भाभी? मंदिर गई है। अच्छा, तो ये शगुन का हार उन्हें हमारी तरफ से दे दीजिएगा और कहिएगा शादी पक्की, जो बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, बहन और भाभी में कोई फर्क होता है? बहन तो भाई का फर्ज है जो बहन की शादी में कोई कसर उठाना रखे। ये लीजिए 40,000 रुपए, जी भर कर खर्च कीजिए और जरूरत पड़े तो फिर से मुझसे कहिए। लोग कहेंगे जमुना ने बेटी ब्याही नहीं, बेच दी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे होते हुए ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि लोगों को मुंह खोलने का मौका मिले। मैंने अपनी झूठी लाज बचाने के लिए अजय से वचन लिया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा, किसी का नहीं बताएगा। सुन लिया तुमने? हो गई तुम्हारी गलतफहमी दूर? मुझे तो पहले विश्वास था अजय कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अजय ने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए, और हमने उसे बेघर कर दिया। पता नहीं वो कहां भटकता हो, किस हाल में होगा। मेरी समझ में तो नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं उसे। दुखी मत हो बेटा, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा, तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अजय को गलत समझा। किसी भी तरह उसका पता लगाई, वो जहां भी होगा मैं आपके साथ चलूंगी उसे वापस लाने के लिए। उससे माफी मांग लूंगी।
सजी ये माल यहाँ नहीं मिलेगा। अरे साईं, सब यही बोलता है यहाँ नहीं मिलेगा। बड़ी हमको 2 लाख का माल मांगता है, किधर मिलेगा? वैसे तो ये माल बहुत सी जगह मिल सकता है, लेकिन आपको सही दाम और सही माल सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, नेशनल स्पेयर पार्ट्स। नेशनल स्पेयर पार्ट्स? ये बड़ी किधर है? नासिक में। नासिक में? अच्छा, शुक्रिया। क्यों मिस्टर हीरो, तुमने तो कहा था 3 साल के बाद 5 मार्च को ठीक 4 बजे आ जाऊंगा। 4 तो कब के बज गए, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? आ गए। डैडी, डैडी आ जा, आ गया, जल्दी आइए डैडी। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोला? आप ही ने तो कहा था आप खुद दरवाजा खोलेंगी। इडियट। अरे भाई, तुमने कहा था 5 बजे अजय से मिलवाओगी और हम वक्त पर आ गए। हम सब इस खुशी के मौके पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन फूल तो सिर्फ अजय को देंगे। अजय को ही क्यों? इसलिए कि इस महापुरुष ने अपने प्रेमिका को जो वचन दिया था उसे पूरा किया। लेकिन जिस प्रेमिका ने 3 साल से एक एक पल बड़े घुटन और बेचैनी के साथ जिया हो, उसके साथ ही अन्याय क्यों? अच्छा भाई, ये अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, हम दोनों को साथ साथ फूल दे देंगे। हाँ मनीषा, आप अजय से तो मिलवाओ। देखो अजय तो अभी तक आया नहीं, तुम लोग बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो, वो बस आता ही होगा। इंतजार का है एक नाम, ये भी तो प्यार का है। सहारा तेरे इंतजार का है एक नाम, ये भी तो प्यार का है। एक नाम ये भी तो प्यार का है, एक नाम ये भी तो प्यार का है। मुझको प्यार मेहरबानी नहीं, ना हो खुददार जो वो जवानी नहीं, चाहिए मुझको प्यार मेहरबानी नहीं। फैसला ये दिले बेकरार का है, एक नाम ये भी तो प्यार का है। एक नाम ये भी तो प्यार का है, एक नाम ये भी तो प्यार का है। बस तेरे
एतबार का है, एक नाम ये भी तो प्यार का है, सहारा तेरे इंतजार का है, एक नाम ये भी तो प्यार का है। मेरा एक कम सर, सॉरी मैं आज किसी से मिलना नहीं चाहता। वही मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरा नाम, मैं आज बहुत परेशान। अरे बाबा मैं भी परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट चाहिए जो मार्केट में नहीं मिलते। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में मिलते हैं। 2 लाख का ऑर्डर लेके आया हूँ। 2 लाख या 5 लाख मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज प्लीज आप चलिए। बड़ी तुम्हारी मर्जी बाबा, जाता हूँ। बड़ी इनकी फोटो यहाँ कैसे? क्या आप इसे जानते हैं? बड़ी इसी ने तो हमको भेजा है। कहाँ है ये? प्लीज प्लीज मुझे बताइए कहाँ है ये? आओ शंकर। वेरी गुड साहब, अपन एक खबर लाया है। क्या खबर है? अपन कैसे बोले साहब, साला गला सुकेला है। तुम्हारा गला है कि बंबई का गटर है? जब देखो सुकेला रहता है, दारू लाता है। दारू मांगने का भी क्या स्टाइल है रामजादे का। थैंक यू, ये हमारा स्टाइल है, असली है, मेड इन स्कॉटलैंड। वेरी गुड वेरी गुड। साहब रवि को अजय का पता चल गया है और वो अजय को मिलने जा रहा है। दोस्ती का पुल जो आपने तोड़ा था वो फिर से जुड़ जाएगा, और वो पुल के जुड़ जाने का मतबल है मनीषा से शादी करने की आपकी उम्मीदों का टूट जाना। शक्ल तो मनहूस है तुम्हारे, मनहूस खबर सुनाकर तुमने मेरे स्टाइल का बेड़ा गर्क कर दिया। साहब साहब इसलिए तो अपने पहले ही बोतल झपट ली, वरना बटर का ढक्कन भी नहीं मिलता। अबे और ढक्कन के, क्या स्टाइल है तुम्हारा, दिमाग बिल्कुल नहीं है। अब मैं अपने स्टाइल से इस पलटती हुई बाजी को सीधा कर दूंगा। तुम जाओ यहां से। क्या बात है बेटे, बहुत हंस रहे हो, दारू बहुत पीली है क्या? नहीं डैडी, जब दुश्मन मरता है तो हम हंसते हैं, ये हमारा स्टाइल है। लेकिन बेटे अभी दुश्मन मरा कहाँ है? मरा नहीं तो मर जाएगा डैड। आज ठीक 6 बजे हमारा ट्रक रवि की गाड़ी से टकराएगा। अरे भाई भाई गजब हो गया, तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? तुम्हारा दोस्त रवि तुमको मिलने के लिए आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पीजी हॉस्पिटल में एडमिट है। पीजी हॉस्पिटल? अजय भाई, अजय चाची बड़े सही वक्त पे आ गया बेटे। रवि तेरे बारे में रात दिन परेशान रहता था, तुझे ही मिलने आ रहा था कि यह हादसा हो गया। चाची सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब लोग चिंता ना करना। अजय तू पहले रवि से मिल ले, बाद में बातचीत करेंगे। इसी कमरे में है, जा। रवि 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 रवि, अच्छा हाँ रवि मैं आ गया हूँ। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं रवि ये सपना नहीं है, मैं सचमुच आ गया हूँ। तू कैसा है रे? तेरे बगैर मैं कैसा हो सकता हूँ? देख रवि, तेरे बगैर मेरी दुनिया भी सुनी हो गई थी, लेकिन मुझे
तेरी खुशी ज्यादा प्यारी थी। मेरी खुशी के लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। छोड़ इन बातों को, ये बता कैसा महसूस कर रहा है तू? आ गया है, अच्छा महसूस कर रहा हूं। साथ रहेगा तो जल्दी अच्छा हो जाऊ। जब तक तू बिल्कुल नहीं ठीक हो जाएगा ना, एक मिनट के लिए भी मैं यहां से नहीं हटूंगा, तेरे साथ रहूंगा। उसके बाद तू चला जाएगा? इस वक्त तू ठीक नहीं है, अपने दिमाग को परेशान मत कर। मेरे दिमाग की परेशानी उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक तू मुझे, अपनी भाभी और माँ को माफ नहीं करेगा। ज्योति की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया, हमने जो तेरे साथ बर्ताव किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। रवि, अगर तू समझता है मैं तुझसे, भाभी से, माँ से नाराज हूं तो ये गलत है। मेरे साथ किसी ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है। देख, अगर उनकी जगह कोई भी होता तो भी मुझ पर शक करता। जो हो गया उसे भूल जा जाए, बस वादा कर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वादा कर। हाँ बेटे, अजय अभी तक आया नहीं है रूपा, अभी तक नहीं आया। अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है, नहीं आया तो आ जाएगा, कहीं फंस गया होगा बेचारा। माँ? हाँ बेटे। अजय कहाँ है? अजय और बहू रात भर जागे थे, मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया है। अच्छा अच्छा। नहीं भाभी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अरे ऐसी बात कभी सोचना भी मत। उस लड़के को पहचानते हो? ये तो अजय, अपने साथ कॉलेज में पढ़ता था। 3 साल से मनीषा इसका इंतजार कर रही है और ये इस लड़की के साथ यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। इस लड़की की मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र भी, कहीं अजय ने इसे शादी तो नहीं कर ली? ठीक है, मैं इन दोनों की तस्वीरें खींचकर मनीषा के पास भेज देती हूँ ताकि अजय की पोल खुल जाए। हेलो, हेलो मनीषा। हाँ मैं रूपा बोल रही हूँ। अजय तो नहीं आया होगा? नहीं यार, कैसे आएगा, वो तो यहाँ एक लड़की के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। क्या? मैंने अपनी आंखों से उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा है। इसके गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। एक मिनट, मैंने जो कुछ देखा है वो तुझे बता दिया। कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं और भेज रही हूँ, देख लेना, बाकी तेरी मर्जी। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। अजय, अजय ऐसा नहीं कर सकता। ये तस्वीरें अजय की बेवफाई का सबूत दे रही हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। मनीषा, आंसू पोंछ लो। वफादार आदमी के लिए अगर अपने जिस्म का पूरा खून भी बहाना पड़े तो वो जायज है, लेकिन बेवफा आदमी के लिए एक कतरा आंसू बहाना भी नाजायज है। तुम तो एक कच्ची दीवार की तरह टूट गई हो, अपनी तरफ गिरने की बजाय उसकी तरफ गिरो ताकि उसे भी चोट लगे, उसे भी दर्द हो। मनीषा, उसने तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 3 साल बर्बाद किए हैं और तुम रो रो कर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए आज के युग में इसी को स्टाइल कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो, उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारो कि वह जिंदगी भर याद करता रहे। That should be a good style. मनीषा, क्या बात है बेटा? डैडी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं कुंदन से शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही है? जिस आदमी का 3 साल तक इंतजार किया उसे भूल जाओगी?
बिल्कुल भूल जाऊंगी। मैं अजय का जिंदगी भर इंतजार करती अगर वो शादी नहीं करता, मगर अब उसने शादी कर ही ली तो मैं उसका एक पल भी इंतजार नहीं करूंगी। लेकिन मनीषा, अच्छी तरह से सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैंने अच्छी तरह सोच कर ये फैसला किया है। ये भी एक स्टाइल है। अब हाँ, अच्छा डैडी, पाय लग गए। यस मिस्टर रवि, अब आप बिल्कुल ठीक है, कल आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। और हाँ मिस्टर अजय, आप जरा ऑफिस में आइए। मैं अभी आया। अजय, हम घर चले जाएंगे तो मनीषा के पास जा, वैसे ही वादे से 5 दिन ज्यादा हो चुके हैं। नहीं रवि, पहले तुझे घर छोड़ूंगा उसके बाद जाऊंगा। जब उसने 3 साल तक इंतजार कर लिया तो 5 दिन में क्या फर्क पड़ा। नहीं अजय, जब इंतजार की मुद्दत लंबी होती है तो इंसान बरसों इंतजार कर लेता है, लेकिन जब मिलन का वक्त आता है तो एक पल भी इंतजार नहीं। तू जा। हाँ बेटे। हाँ जय भैया, जा। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। इसकी क्या जरूरत थी कुंदन? खूबसूरत गर्दन में ये खूबसूरत हार बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे कुंदन का। मनीषा, मैं आ गया हूँ। मनीषा, जुदाई के लंबे साल खत्म हो गए। अब अपने डैडी को बुलाओ और कहो कि इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाए। अपने सहेलियों को बुलाकर कहो सुहाग के गीत गाए, और शहनाई वालों को बुलाकर शहनाई के बहुत सुर बजवाओ कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो। हाँ, ये बंगला दुल्हन की तरह जरूर सजेगा। शहनाई वाले मीठे सुर में शहनाई जरूर बजाएंगे, मेरी सहेलियां सुहाग के गीत जरूर गाएंगी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों में तुम बाराती बनकर शामिल हो सकते हो, दूल्हा बनकर नहीं, क्योंकि मेरी शादी कुंदन से हो रही है। तुम मजाक कर रही हो? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मनीषा, आने में 4-5 दिन की देर क्या? खैर छोड़ो, गुस्सा थोको। डोंट टच, मत भूलो कि ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी है। कुंदन। यस डार्लिंग। जो हार तुम मेरे लिए लाए थे मेरे गले में पहना दो। जरूर। सोने का है, ये कुंदन का स्टाइल है। मिस्टर अजय, हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज एक्सक्यूज अस। अजय जी, आप हमारी शादी में जरूर आइएगा, मनीषा विद कुंदन। थैंक यू। सुनिए, आप और अकेली? I'm sorry, मैं आपको पहचान नहीं सकती, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। खैर, अजय दिखाई नहीं दे रहा है, अजय को आप कैसे जानती हैं? मैं उस मनीषा की सहेली हूँ जो 3 साल से अजय का इंतजार कर रही है। ओ अच्छा अच्छा, आपकी सहेली का इंतजार अब खत्म हो गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि 5 दिन की देर जरूर हुई है, मगर बेचारे अजय भैया, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए उन्हें छोड़ कर नहीं जा पाए। ओके बाय बाय। अजय भैया। मनीषा रूपा, अजय यहाँ आया था? हाँ। तुमने उसके साथ कोई गलत सलूक तो नहीं किया? मैंने उसके साथ वही सलूक किया जो एक धोखेबाज के साथ करना चाहिए। नहीं नहीं मनीषा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने जिस औरत के साथ अजय की तस्वीर खींची थी वो उसकी बीवी नहीं, उसकी भाभी है, उसे माँ की तरह मानता है। रूपा, ये तो क्या कह रही है? मुझे माफ कर दो मनीषा। तुमने बहुत देर कर दी रूपा, कि मैंने क्या कर दिया? कह रही है? अजय भैया, आप मनीषा के पास नहीं गए? मनीषा के पास से ही आ रहा हूँ। शादी की तारीख पक्की हो गई? हो गई, लेकिन मेरे साथ नहीं, वो कुंदन से शादी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी उन्हें जाके बता। नहीं भाभी, बाद में बता देना, अभी रवि का आराम करने दो। नहीं, अभी बताना जरूरी है।
इसलिए मैं कहता था कि गुस्से और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इन हालात में फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं और गलतफहमी से इंसान की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने सही वक्त पर हमें सब कुछ बता दिया। अगर मेरी और मनीषा की शादी हो जाती तो अजय की आहें हमें जिंदगी में दुख पहुंचाती। कुंदन बेटी। हाँ अंकल, मैं मनीषा को चाहता जरूर हूँ, लेकिन मेरी चाहत खुद गर्ज नहीं है। अजय की शादी मनीषा के साथ होनी चाहिए, वही इसका असली हकदार है। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने अजय के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, अब वो कभी नहीं आएगा। रूठे हुए कभी लौट कर नहीं आते, उन्हें मनाना पड़ता है। लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका पता ठिकाना तो मुझे मालूम नहीं। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ, और वैसे वैसे भी मुझे उससे माफी मांगनी है। आप मेरे साथ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बेटे रवि, बेटे हम सब गलतफहमी के शिकार हो गए थे, और गलतफहमी दूर होते ही मनीषा कुंदन को लेकर अजय को ढूंढने चली गई। तब तो घर ही गए होंगे। नहीं, वो लोग यहां तो नहीं आए। इसका मतलब मुझे वो जगह मालूम है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ। लेकिन ये तो तुम्हारा बंगला है, तुम तो मुझे अजय के पास ले जाने वाले थे। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो लाखों की लॉटरी का नंबर किसी और के नाम निकलने दूं। क्या बक रहे हो? सीधी उंगली से घी ना निकले, ये घी का स्टाइल है। और समझदार आदमी उंगली टेढ़ी करके घी निकाले, ये उंगली का स्टाइल है। शट अप। बात बात पर शट अप बोलना अच्छा स्टाइल नहीं है। माफ कर दो चीजा जी। मुझे बहुत खुशी हुई शंकर कि तुमने शराब छोड़ दी और कुंदन का साथ छोड़ दिया। सुबह का बुला शाम को घर लौट आया। अच्छा ये बताओ, वो कुंदन मनीषा को लेकर कहाँ गया? जीजा जी, कुंदन का एक प्राइवेट बंगला है जहाँ पर उसने बहुत सारे शाने पाल रखे हैं, और मनीषा के साथ जबरदस्ती शादी करने की पूरी तैयारी की है उसने। हाँ। छोड़ दो कुंदन, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम जानते हो मेरे डैडी कितने बड़े बैरिस्टर हैं, वो तुम्हें अगवा के केस में बंद करवा सकते हैं। चल। देखो मनीषा डाले, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये शादी का कार्ड है और इसमें तुम्हारा और मेरा नाम भी छपा है, और तारीख भी आज ही की, और ये कार्ड भी तुम्हारे बाप ने छपवाया है, और इसका खर्चा भी उन्होंने किया है। देखो डार्लिंग, जब कार्ड छपता है तो शादी हो जाती है, ये कार्ड का स्टाइल है, और जब शादी हो जाती है तो हिंदुस्तानी नारी अपने पति को पति परमेश्वर समझती है, ये हिंदुस्तानी नारी का स्टाइल है। क्या स्टाइल है? मैं उन जाहिल लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक शैतान को अपना परमेश्वर मान ले। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर भी ली तो मैं कोर्ट में जाके तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें वैसे ही तलाक दे दूंगा। पर क्या है कि एक छोटी सी समस्या है, तलाक की कीमत होगी सिर्फ 50 लाख रुपए। ये तलाक का स्टाइल है। तुम कितने कमीने हो कुंदन। कमीनापन हमारा खानदानी स्टाइल है। आओ पंडित जी मंत्र पढ़ो। ओम शुभ मंगलम, ओम शिवम देवम। बड़ी मुश्किल से आज मेरी शादी पक्की हुई है और तुम उसे तोड़ने के लिए आ गए। ये कौन सा स्टाइल है? ये इनका स्टाइल है। बड़ा गंदा स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है। ये अच्छा स्टाइल नहीं है? नहीं। तो दूसरा स्टाइल दिखाता हूँ। Thank you.
दादागिरी करता है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, ये कौन सा स्टाइल है? ये पुलिस वाले का स्टाइल है, चल गंदा स्टाइल है। अजय, मैं गलत फहमी का शिकार हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसी बात पर आचार खिलाऊं। पहले मिलन की रात आई, कितने दिनों के बाद आई। आओ ना 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 छोड़ो ना 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 ना, अब तो लगी जगली ना।